दोस्तों नमस्कार, ईश्वर से प्राप्त स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। आपके बीच रीजनिंग का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है। आपको देखा जाएगा कि दिखाया भी जाएगा कि किस तरीके आपको पढ़ाया जा रहा है, और लेवल एक जो लेवल मेंटेन करके रखते हैं वही चीज़ होता है कि एक लेवल मेंटेन करके आपको बताया जाएगा। जीरो से हीरो लेवल ले जाना, तो यही है चीज़ें। आप देखें कि आपको हर प्रकार की क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कराया जाएगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और मैंने दो क्लास ली थी जो बेसिक बताया था कि कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, सारे मतलब 10 प्रकार के बनते हैं, 10 प्रकार के बताए थे। और आज से आपका जितने आए हुए क्वेश्चन हैं सब कराए जाए, कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं सब कराए जाएंगे, छोटे से बड़े लेकर सब कराए जाएंगे। बस आपको कंटिन्यू क्लास में बने रहना है, न्याय निगम में जो है आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसके पहले कोडिंग कोडिंग चली थी, और न्याय निगम में 3री क्लास है जिसमें आपने देखा होगा कि देखिए यूपीएससी का प्री 2012 में आया क्वेश्चन है, मैं लेके आया हूँ। एक यूपीएससी का 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, और जितने अधीनस्थ के 2018 वीडियो में इसको आपको जान ही रहे हैं कि अधीनस्थ कराती है। अधीनस्थ में जितने भी आए क्वेश्चन हैं, बैंक में आए हुए क्वेश्चन हैं, और साथ साथ जितने भी कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन हैं SSC CGL सब में कराऊंगा आपको। कि आपको हर कहने का मतलब देखिए, एक जो पैटर्न होता है कि मेंटेन करना, कि मतलब एक मेंटेन करना और एक लेवल ले जाना, ठीक है, इस लेवल से। और अगर कहीं अगर समझ में नहीं आता तो आप परेशान मत होइएगा, अभी और भी क्लास लिया जाएगा, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। अगर एक दो क्वेश्चन कहीं मेंटेन दिक्कत हो रही है या देखते हुए भाग जाइए, ठीक है। आइए आते हैं न्याय निगमन में कथन और स्टेटमेंट जो है। स्टेटमेंट के बारे में मैंने बताया था, दो क्लास मैंने ले चुका हूँ, आपको मैंने बताया था कि स्टेटमेंट जो कथन निष्कर्ष होता है किस बेस पे लेंगे, किस तरीके फिगर बनाएं, क्या ऑप्शन जो होता है, इस ऑप्शन देखेंगे तो इस तरीके का ऑप्शन दिया रहता है कि पहला अनुसरण कर रहा, दूसरा अनुसरण कर रहा, पहला या दूसरा दोनों अनुसरण कर रहा है, या चौथे मतलब ना पहला कर रहा ना दूसरा कर रहा है, इस तरीके ऑप्शन दिया रहता है। इसलिए मैंने ऑप्शन भी दिया है, शुरुआत में ऑप्शन दिया, अभी आगे ऑप्शन नहीं देंगे, लेकिन आपको बताया जाएगा किस तरीके सही होगा, ठीक है। क्योंकि समय जाए कम है और क्वेश्चन ज़्यादा देना है, और 2 दिन लगातार 3 दिन लगातार जितना क्वेश्चन हो सके तो देंगे आपके बीच, आपको बताएंगे। आप भले उब जाइए लेकिन आपको जितना भी पैटर्न बनता है सारा कुछ बताएंगे, ठीक है। आइए आते हैं, दे रहा है इस पे, दे रहा है कि कुछ पुस्तक मैगजीन है, कुछ पुस्तक मैगजीन है कुछ पुस्तक मैगजीन है मैगजीन है समझ जाइएगा पुस्तक, ठीक है। कुछ पुस्तक मैगजीन है, कुछ मैगजीन उपन्यास है, एक फिगर ये बनेगा, एक फिगर और बनेगा। मैंने बताया था कि मैंने एक कहानी आपको सुनाया था कि मक्खन ब्रेड वाला, रोटी और घी घी वाला, जो देसी घी जानते हैं गांव में खाते हैं लड़के, इस तरीके बताया था। अब एक फिगर इसमें और बनेगा, उसी बीच बनेगा, ऐसा तो नहीं कि स्पेशल इसी के लिए है कि जो है कि आप इसी में बनाइए, लेकिन आपको बताएंगे एक वैसे फिगर और बन सकता है। दिया है कुछ पुस्तक मैगजीन है, कुछ पुस्तक मैगजीन है, कुछ पुस्तक मैगजीन है, कुछ मैगजीन उपन्यास है, कुछ मैगजीन उपन्यास है, कुछ मैगजीन उपन्यास, इस तरीके की फिगर बन सकता है। तो आप सीधे से कह सकते हैं कि पहला या ऑप्शन फिगर ऑप्शन बी ए और फिगर बी, पुस्तक मैगजीन उपन्यास, ठीक है जी, ठीक है, समझिएगा। दो फिगर बन सकते हैं। मैंने बताया था कि केवल स्पेशल इसके लिए बोलता है कि कुछ दिया है, देखिए कुछ पुस्तक उपन्यास है, सॉरी इस पे दिया है कुछ कुछ मैगजीन पुस्तक है और कुछ मैगजीन उपन्यास, इस तरीके से फिगर एक बन गया। एक और बनेगा, कुछ मैगजीन पुस्तक है दिया है, कुछ कुछ मैगजीन पुस्तक है, कुछ मैगजीन उपन्यास है, तो कुछ इसमें है तो कुछ इसमें भी आ सकता है, स्पेशल थोड़ी ना दिया कि इसी में रहे, कहने के मतलब तीनों इस तरीके फिगर बनेगा। अब देखते हैं कि कौन सा अनुसरण करता है।
पूछ क्या रहा है, कुछ पुस्तक, अब यहाँ थोड़ा देखेंगे, देखिए जो दोनों में अनुसरण करेगा वही मान होगा, फर्स्ट सेकंड। यहाँ देखेंगे किस तरीके, कह रहा है कुछ पुस्तक उपन्यास है, इसमें पहले नहीं अनुसरण कर रहा है, गलत है, इसमें इसका अलग है ना, मैगजीन में कर रहा है, फिर दूसरे फिगर में क्या कर रहा है, दूसरे फिगर में कर रहा है, सही है, कहें कि इसमें सब में है, ठीक है, सब में लग रहा है, कुछ पुस्तक उपन्यास है, ठीक है, कर रहा है। अब कहते हैं दूसरे स्टेटमेंट में, निष्कर्ष में क्या दे रहा है, कुछ उपन्यास पुस्तक है, ये भी गलत है, कहने का मतलब स्टेटमेंट पहले और दूसरे में ना पहला अनुसरण कर रहा ना दूसरा अनुसरण कर रहा, हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो दोनों में सही अनुसरण करेगा तो दोनों सही होगा और दोनों पर हम ऑप्शन मारेंगे, लेकिन अगर एक नहीं कर रहा तो एक कर रहा तो ना पहला अनुसरण मतलब कॉपी कर रहा है ना पहला अनुसरण हो रहा है ना दूसरे ऑप्शन हो रहा, कहने का मतलब आप समझ रहे हैं। इसके बाद आते हैं, एक क्वेश्चन आपको समझ में आया, अगर समझ में नहीं आएगा तो परेशान मत होइए, अभी बहुत क्वेश्चन कराएंगे आपको। देखिए प्री यूपीएससी प्री में 2012 में आया क्वेश्चन है, एक UP SSC में जो है 2019 में आया क्वेश्चन, कीजिए इस तरीके पूछता है, बीडो 2018 में पूछा था, तब की बार इसी यही सब पूछा ज़्यादा था, ठीक है, क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चन पूछ लिए थे इसमें से, लोग कन्फ्यूज होते कर नहीं पाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सभी महाद्वीप देश है, सभी ग्रह देश है, क्या कह रहा है, देखिएगा, सभी द्वीप देश है, ठीक है, पूछ रहा है सभी महाद्वीप द्वीप है, फिर क्या पूछ रहा है, सभी ग्रह देश है, कहने का मतलब देश में सभी ग्रह देश है, यही तो हो रहा ना, यही फिगर बन रहा ना, फिगर यही बन रहा है, बनना नहीं बन रहा है, नहीं दिख रहा है क्या, चलिए फिगर ए हो गया, फिगर बी में देखते हैं, फिगर बी किस तरीके बनेगा, कुछ क्या रहा है, सभी महाद्वीप द्वीप है, द्वीप है, फिर क्या कर रहा है, सभी ग्रह देश है, इस तरीके बनेगा, एक चाहे इसी बना लीजिए, सभी ग्रह देश है, करेंगे मतलब इस तरीके फिगर बनेगा, एक कर रहा है सभी द्वीप देश है, सभी महाद्वीप द्वीप है, सभी ग्रह देश है, कहने के मतलब एक फिगर वन बन रहा है, फिगर बी में क्या कर रहा है, सभी महाद्वीप द्वीप है, सभी ग्रह देश है,
कहने का मतलब देश में सभी ग्रह हो सकता है, नहीं सभी ग्रह है, ग्रह है सॉरी, ग्रह देश है, ठीक है। अब क्या करता है, अनुसरण ए बी, कुछ महाद्वीप देश नहीं है, कुछ महाद्वीप देश नहीं है, अनुसरण गलत है पहला, ऐसा थोड़ी ना है, देश में तो सब है दोनों, अच्छा सही है, कहने का मतलब कुछ है, कुछ महाद्वीप नहीं, सब महाद्वीप जो है टोटल टोटल महाद्वीप जो है देश है, गलत है। फिर क्या कह रहा है, कुछ महाद्वीप देश है, कुछ नहीं पूरा है, फिर कुछ महाद्वीप से गलत है, भी स्टेटमेंट गलत है। फिर क्या कह रहा है, कोई ग्रह महाद्वीप नहीं है, कोई ग्रह महाद्वीप नहीं है, हाँ कोई ग्रह महाद्वीप नहीं है, सही है, इसमें तो फॉलो कर रहा है, कहीं ग्रह अलग है महाद्वीप अलग है। फिर इसके बाद पूछ रहा है, कोई ग्रह महाद्वीप नहीं है, कोई ग्रह महाद्वीप नहीं है, गलत है, महाद्वीप है, ग्रह के अंदर महाद्वीप ना है, यहाँ देखिए बना है ये, तो करेंगे मतलब गलत है। अब आते हैं, देखिए मैंने बताया था आपको, समझाया था कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, कहे दोनों में स्मरण, करने का मतलब ना एक कर रहा है ना दो कर रहा, डी सही। आते हैं फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में आते हैं आपको बताते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए, बहुत ही आसान तरीके से, इतना हम आपको टाइप 10 तक बता दिए हैं कि आपको कहीं जाना नहीं है, बस समझना है और हर चीज़ को एक थोड़ी बारीकी से समझिए। देखिए अगर एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन नहीं आते तो भागिए मत, अभी सब आएगा समझ में आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट कथन, सभी टिकट कूपन है, सभी टिकट ना, सभी टिकट कूपन है, कूपन है, इसके बाद क्या कह रहा है स्टेटमेंट दूसरा, सभी कार्ड कूपन है, सभी कार्ड कूपन है। स्टेटमेंट आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपका अगर फिगर गलत बन जाएगा तो आपका गलत हो जाएगा, यह होते हैं सभी होते हैं लिखा है, नहीं तो आप क्वेश्चन मैच करोगे, कहोगे सर सही पतन कैसे दिए हैं, कहाँ से अपने से बना के दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इस तरीके बनाए हल्के में नहीं दीजिएगा, ठीक है। आते हैं निष्कर्ष पे, कथन क्या है, कथन दिया है कि पहला सत्य है दूसरा सत्य है, ठीक है। निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष कुछ कूपन कार्ड हैं, कूपन कार्ड होते हैं या है होते हैं। फिर क्या दिया है दूसरा निष्कर्ष जो है सॉल्यूशन, कुछ कार्ड कूपन है, कुछ कार्ड कूपन होते हैं। दिया है कि ऑप्शन लिखिएगा, ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी, दो लिख दीजिएगा, दोनों सत्य है, दोनों गलत है, एक सत्य है
सत्य एक है, दूसरा गलत है, गलत है। यस डी नो नो दिस ले दीजिए। आया क्वेश्चन है, आप घबराइएगा मत, क्योंकि आप सोच लीजिए कि सर्वप्रथम कहाँ से दिए हैं, लेकिन मैं बता दूँ कहाँ से क्वेश्चन है। सत्सी 10+2 में 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, SSC 10+2 हल्के मत लीजिए, 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बता रहा हूँ आपको। देखिए किस तरीके है, दिया क्या है आपको, पूछ रहा है कि कुछ कूपन कार्ड है, कुछ कूपन दिया क्या है, पहले समझिएगा और समझिएगा। कुछ कूपन कार्ड है, कहने का मतलब कूपन बड़ा ना, ये कार्ड है, कुछ कूपन कार्ड, कूपन हो गया तो कुछ कूपन नहीं, सॉरी 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 गलत बना रहे हैं, सभी टिकट कूपन है। कहने का मतलब जो है सभी टिकट टिकट कूपन है ना, सभी टिकट कूपन है, सभी टिकट कूपन है, सभी कार्ड कूपन है, सभी कार्ड कूपन है, इस तरीके स्टेटमेंट बन सकता है ना। क्या दिया है कि सभी टिकट कूपन है, सभी कार्ड कूपन है, इस तरीके बना सकते हैं स्टेटमेंट। दिया क्या है, कुछ कूपन कार्ड है, कुछ कूपन कार्ड है, कार्ड में कुछ कूपन कार्ड है, कुछ कार्ड कूपन है। कहने का मतलब दोनों दोनों स्टेटमेंट सत्य है आपका, यही ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, दोनों स्टेटमेंट सही है। अरे यार आप सीधी सी बात समझ लीजिए, आप पूछ क्या रहा है, पहले निष्कर्ष सॉल्यूशन देखिए कि कुछ कूपन कार्ड है, कूपन इतना है तो कुछ कूपन इसमें से कार्ड है नहीं है। फिर दूसरा सॉल्यूशन देखिएगा, कुछ कार्ड कूपन है तो इतना बड़ा कूपन है तो कुछ है नहीं है, कुछ है ना, तो कुछ कार्ड कूपन है, करेंगे मतलब कुछ कार्ड कूपन है, दोनों स्टेटमेंट सही है, सब है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट देखिएगा, इसी प्रारूप पे है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, SSC विधान सभा का है ना, SSC विधान सभा वन रक्षक भवन रक्षक जो है, SSC विधान भवन रक्षक और 2018 में पूछा गया है, ठीक है। कथन स्टेटमेंट देखिए, कथन सभी जूते मुझे हैं, सभी जूते मोजे हाँ मोजे हैं, पहले लिखिए। दूसरा देखिएगा, सभी मोजे शर्ट हैं, सभी मोजे शर्ट हैं, ठीक है, समझिएगा। अगर समझ में नहीं आता होगा तो मैं नोट करा दे रहा हूँ, तो आप लिखिएगा। पूछा गया है UP SSC में, UP SSC में विधान वन भवन रक्षक और किसमें पूछा गया है, वन रक्षक में कब पूछा गया, 2018 में,
यूपीटी प्लस सी में पूछा गया है क्वेश्चन, इसका निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष क्या है, सॉल्यूशन कुछ मोजे जूते हैं, फर्स्ट देखिए कुछ मोजे जूते हैं, सेकंड कुछ शर्ट जूते हैं, जूते हैं आते हैं, पूछा गया सभी जूते मुझे हैं, सभी जूते मुझे हैं, सभी मोजे शर्ट हैं, सभी मोजे शर्ट है ना, इसके बाद निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष क्या है, फर्स्ट सेकंड में देखिएगा निष्कर्ष में क्या दिया है, कौन सही है। कहने का मतलब कुछ मोजे जूते हैं, कुछ मोजे जूते हैं, मोजे में से इतने में से कुछ जूते हैं कि नहीं है, कुछ शर्ट जूते हैं, शर्ट इतने हैं तो कुछ जो है शर्ट जो है जूते हैं कि नहीं है, करेंगे मतलब दोनों निष्कर्ष सॉल्यूशन जो है, अतः देखिए इसमें उत्तर होगा दोनों, अतः जो है फर्स्ट दोनों जो है फर्स्ट मतलब पहला दूसरा दोनों अनुसरण कर रहे हैं, ठीक है करते हैं, करेंगे मतलब ऑप्शन, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्योंकि गर्मी बहुत है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगा, तो आपको रेगुलर करने के लिए कि आपको रेगुलर हो जाइए। आते हैं एक क्वेश्चन और देखिएगा थोड़ा सा, दिया है क्वेश्चन कथन स्टेटमेंट देखिए, सभी पानी जहाज है और हवाई जहाज, जहाज पते है हवाई जहाज पता ही होगा, ये भी बताना पड़ेगा, सभी बक्से पानी जहाज आते हैं ना, इसके बाद हो गया ये बसें आते हैं सॉल्यूशन निष्कर्ष में दिया क्या है कि सभी बसें जो पानी जहाज है वे आवश्यक रूप से हवाई जहाज होंगे, हाँ पहला स्टेटमेंट पहले मतलब वो था सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन बहुत थोड़ी सी मोटर गाड़ियां पानी जहाज है, मोटर गाड़ियां पानी जहाज है, देखिए
आप पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, बता दें कब को पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूडीए एलडीए का पूछा हुआ है, यूडीए एलडीए का, यूपी ट्रिपल एससी का पूछा गया है, यूडीए एलडीए पूछा हुआ है यूपी ट्रिपल एससी का। अभी हाल ही में इसका पेपर एक हुआ है, बहुत जल्दी 2015 पूछा गया है, हाल ही बहुत आसान क्वेश्चन आया था, अभी इसके पहले ही जस्ट बहुत दिन नहीं हुआ है, लेकिन ये 2015 पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछा कि सभी पानी, इस तरीके फिगर बनेगा, सभी पानी सही है ना क्वेश्चन, सभी पानी जहाज है, पानी जहाज है ना, और हवाई जहाज है, हवाई जहाज, पानी जहाज, हवाई जहाज, सभी पानी जहाज है, हवाई जहाज है, फिर क्या है, सभी बसे पानी जहाज है, सभी बसे पानी जहाज है, तो बसे हो गए। अब क्या कह रहा है, देखिए फिगर इस तरीके बनेगा, एक ही फिगर बनेगा, दिया है कि सभी बसे जो पानी जहाज है, सभी बसे जो पानी जहाज है वे आवश्यक रूप से हवाई जहाज होंगे, आवश्यक रूप से हवाई जहाज, ये तो सही है, मतलब कहने का मतलब ये तो सही है, बहुत थोड़ी सी मोटर गाड़ी है पानी जहाज है, मोटर गाड़ी कोई मतलब है नहीं, कहने का मतलब हमारा स्टेटमेंट केवल केवल एक केवल एक आंसर कर रहा है, करता है, करते हैं, ऑप्शन सही, यही सही होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लगा लीजिए, दिया क्या है, कथन में, स्टेटमेंट कथन में सभी जागुआर हाँ जो जागुआर चीता है, सभी पैंथर चीता है, हाँ सभी पैंथर चीता है, पैंथर चीता, बहुत हल्का सवाल है, लेकिन आरआरबी ग्रुप डी 2018 पूछा हुआ, ग्रुप डी के एग्जाम होने वाला ना, आरआरबी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, परीक्षा ग्रुप डी में, ठीक है, ग्रुप डी लिखा है इसे मत गोला हो, आरआरबी 2018 ग्रुप डी पूछा गया क्वेश्चन है, या इस तरीके बना दीजिए ग्रुप डी, हाँ निष्कर्ष आइए, एक क्वेश्चन ये लगा लीजिए, इसके बाद बताएंगे बाद में निष्कर्ष, पहला सभी जगुआर पैंथर है, सभी जगुआर जगुआर पैंथर है, नेक्स्ट स्टेटमेंट निष्कर्ष सॉल्यूशन, कुछ जगुआर पैंथर है, कुछ जगुआर जगुआर, अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं बोल रहा हूँ जगुआर पैंथर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसकी वजह से क्लास यहीं बंद करना पड़ रहा है, ठीक है, बस फिगर बनाएंगे जल्दी से। दिया क्या है, सभी जगुआर चीता हैं, सभी जगुआर चीता हैं, जगुआर, ठीक है,
सभी पैंथर जीता है, सभी पैंथर जीता है, इस तरीके बनेगा। कहने का मतलब दिया क्या है, पहले सभी जगुआर पैंथर है, स्टेटमेंट देखिएगा, पहला दूसरा, सभी जगुआर चीता है पैंथर है तो गलत है, कुछ जगुआर पैंथर दोनों अलग अलग है ये भी गलत है। कहने का मतलब पहला दूसरा दोनों अनुसरण नहीं कर रहा है, ठीक है, उत्तर में ही आएगा, पहले दूसरा दोनों में अनुसरण कर नहीं रहा है, ना पहला ना दूसरा, ठीक है। अभी क्लास को समाप्त करते, गर्मी बहुत है आप देख रहे हैं, और सभी लोग सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक पहुँचाइए, ठीक है, और जय हिंद जय भारत आपके बीच।